मवई के पत्रकारों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिलकर जिला शिक्षा अधिकारी सूर्यभूषण मिश्रा के निलंबन और एफआईआर करने को लेकर तहसील कार्यालय वो पहुंची और एसडीएम के एस गौतम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें, बीते दिनों जिला शिक्षा अधिकारी का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पत्रकारों का एक ही इलाज है, वो है पिटाई। एमकेएन न्यूज इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। बता दें, पन्ना के पत्रकारों ने निजी स्कूल की कमियों को लेकर खबर प्रकाशित की थी। वहीं ऑडियो वायरल होने के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे जिले भर में पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है। पत्रकारों ने जिला शिक्षा अधिकारी पर कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन को 24 घंटे की समय सीमा दी है। अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो उग्र आंदोलन प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। कल एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जो जिला शिक्षा अधिकारी का है। उन्होंने हमारे पन्ना जिले के एक पत्रकार साथी को, जो देश का पत्रकारिता देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, और उन्होंने हमारे पत्रकार को मारने की धमकी दी है। इसलिए आज हम सभी पत्रकारों ने एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा है और हम सबसे यही अपील करना चाहते को दर्शाते हुए उन्होंने इतना घटी तरीके से बयान दिया है, उसके लिए हम सब चाहते हैं कि सभी लोग एकजुट होकर उनके खिलाफ आंदोलन करें। मुख्यमंत्री महोदय के नाम से उन्होंने ज्ञापन दिया है और उनका ये कहना है कि यहाँ के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने कोई पत्रकार हैं, उनको कुछ धमकी वगैरह ऐसा कुछ दिया है, तो इस बारे में जो ज्ञापन दिया है ये हम अग्रिम कार्रवाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जो है भिजवाएंगे।